हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक लड़की को लोकल बस या फिर एक लोकल ट्रेन में इंप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक भी पॉइंट स्किप मत करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और याद से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। दोस्तों, जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तभी काम करते हैं जब आप एक रेगुलर लोकल बस या फिर लोकल ट्रेन के ट्रैवलर हो। मतलब आपको स्कूल, ऑफिस, कॉलेज आने जाने के लिए लोकल ट्रेन या फिर लोकल बस का सहारा लेना पड़ता हो और आते जाते समय रोज आपको एक लड़की दिखती है जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हो। तो मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको उसके बाजू में बैठना है। देखो यार, वैसे तो लोकल बस या फिर लोकल ट्रेन में हर किसी को जगह नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको उस लड़की के बाजू में जगह जरूर मिल जाएगी। और ऐसा होते ही आपको उसके पास बैठना है। इससे क्या होगा कि आपके और उसके, आप दोनों के बात करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरे भाई, अगर आपको मौका मिलता है उस लड़की के पास जाके बैठने का तो यार ऐसा चांस मत गंवाना। तो अब मान लेते हैं कि आपको उसके बाजू में बैठने के लिए जगह मिल जाती है और आप बैठ जाते हो, तो उसके बाद आगे आप क्या करोगे? आगे आपको ये करना है कि आपको उस लड़की के साथ किसी भी बहाने से बात शुरू करनी है। अब आपको छोटे मोटे बहाने बात करने के लिए मिल ही जाएंगे कि यार आप कहाँ जाने वाली हो, कहाँ पे उतरने वाली हो, वगैरह वगैरह से छोटे छोटे बहानों से आपको बात स्टार्ट करनी है। तो ठीक है, फिर चलो आपने लड़की से किसी बहाने से बात कर ली तो फिर आप आगे क्या बात करोगे? तो यही पर जो है बहुत सारे लड़कों का मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। उनको पता नहीं होता कि क्या बात करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको उस लड़की के बारे में बात करनी है। मतलब कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, कौन से कॉलेज या फिर ऑफिस में जाती है। तो उसको आपको बातों बातों में यही सब बातें कहनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। आपको लड़की से पूछना है कि आप रोज यही ट्रेन या फिर यही बस से ट्रैवल करती हो, आप क्या काम करती हो। मतलब कि अगर वो कॉलेज में है तो आपको पूछना आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, या फिर हो सकता है वो लड़की कहीं पे जॉब कर रही हो तो आपको उसके जॉब के बारे में पूछना है कि वो कहाँ जॉब करती है, कौन से फील्ड में जॉब करती है। ऐसे आपको रोज़मर्रा के टॉपिक पे बातें स्टार्ट करनी है। तो यार, आपकी तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें उस लड़की के साथ शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो ये है कि उस लड़की को वो कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखो दोस्तों, आपको लड़की को पहले कुछ मुलाकातों में कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप नए नए मिले हो, नए नए आप एक दूसरे को जान रहे हो, तो ऐसे में किसी भी लड़की को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। लड़के क्या करते हैं, लड़की से पहले दो तीन मुलाकातों में उनको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम ऐसी दिखती हो, तुम जन्नत की परी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसा लड़के लोग कर देते हैं और लड़की को पता चल जाता है कि यार ये अपने पीछे लगा है, ये तो इम्प्रेस करने के पीछे पड़ा है। और ऐसा करते ही लड़की आपसे दूर भागने लगती है। तो मेरे भाई, उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट करने से पहले आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि लड़की आपको अच्छे से जान ले, आपको पहचान ले, एक अच्छी दोस्ती आप दोनों के बीच में हो जाए, तब जाके आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप ये टिप सही से फॉलो कर लोगे तो लड़की के साथ आपकी अच्छी तरीके से दोस्ती हो जाएगी, वो आपको अच्छे से जानने लग जाएगी। तो अब बारी आती है उससे उसका नंबर लेने की। लड़की से नंबर लेने के लिए आपको कोई डायलॉग या फिर किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। आपको बस उसको सीधे सीधे पूछना है। अगर वो लड़की आपको नंबर दे देती है मतलब वो लड़की इंटरेस्टेड है। अगर वो लड़की आपको नंबर नहीं देती है तो कोई बात नहीं यार, आप दोनों दोस्त तो रह सकते हो और हो सकता है आगे जाके वो लड़की आपको खुद नंबर दे दे। तो मेरे भाई, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या फिर आपके पास कोई पॉइंट है जिससे कि आप लड़की को बस या फिर ट्रेन में इंप्रेस कर सकते हैं, उसको कमेंट ज़रूर कर देना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टाइलिश, स्टे कूल, हैस्ता ला वीस्ता।